हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं? अगर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट में आंसर कीजिए। ये आपका इंसर्ट मिसिंग नंबर चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको इन दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो सबसे पहले इसमें हम क्या लॉजिक लगाएंगे, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स दिए हुए हैं तो वही आपकी सबसे बड़ी हिंट है। आप क्या करेंगे, यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स पे नंबरिंग लिख देंगे। नंबरिंग लिखने से क्या होगा, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो 10 और 18 को अगर हम एक साथ ऐड करते हैं, यानी कि 10 + 18, तो कितना हो जाएगा, हमने कहा 28। 28 का अगर हम हाफ कर दें तो कितना होगा, हमने कहा 14। और 14 में अगर हम 2 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 16। यानी कि जे आर से बन रहा है 16। अब हमने आधा हाफ क्यों किया उसको, क्योंकि वह 16 के आसपास दिख रहा था 28, इसलिए उसको हाफ कर दिया गया। 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि 16 बनाना था। यही काम हम सी और के में करेंगे। यहाँ पर भी जब आप 3 + 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमने कहा 14। 14 का हाफ करेंगे तो कितना होगा, 7। और 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि हमारा 16 और 9, ये लॉजिक लग गया। यही लॉजिक आपको सेम फर्स्ट रो के बाद सेकंड रो में और थर्ड रो में लगाना है। अब आप यही सेम लॉजिक थर्ड रो में लगा कर आंसर फाइंड आउट करेंगे। पी आता है 16 पर, वी आता है 22 पर। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 = 8, 2 और 1 = 3। इसका हाफ करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। और 21 क्या हमारे ऑप्शंस में दिखाई दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो सेकेंड लास्ट वाला है उसमें फर्स्ट में 21, 21 सबसे आगे आना चाहिए, हमने कहा। हाँ जी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इधर भी आप चेक कर सकते हैं, के और एम किस तरह से बनकर आया है। के आता है 11 पर, एम आता है 13 पर। और इसका हाफ करेंगे और इसमें 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24। 24 का हाफ 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आना चाहिए। क्या 14 हमारे ऑप्शन में नजर आ रहा है, हमने कहा हाँ जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप मेरे साथ इस चैनल पर जुड़े रहिए, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।